कभी सेक्स स्कैंडल के चलते चर्चा में रहे स्वामी नित्यानंद अब एक नए विवाद में फंस रहे हैं। उज्जैन के सिंहस्थ में उनके भक्तों ने भगवान शिव और पार्वती के साथ उनकी भी मूर्ति लगाई है। इस पर कुंभ में आए अखाड़े के महंत और साधु संतों ने कड़ा एतराज जताया है। उज्जैन सिंहस्थ में जब संतों की पेशवाई शुरू हुई तो महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद का जुलूस देखकर लोग दंग रह गए। स्वामी नित्यानंद ढोल नगाड़ों के साथ सिंहस्थ पहुंचे और उनकी पेशवाई में सैकड़ों की संख्या में नाचते गाते विदेशी भक्त थे। यही नहीं, सिंहस्थ में सबसे बड़ा कैंप भी उन्हीं का है जो 400,000 वर्ग फीट में फैला है। लेकिन स्वामी नित्यानंद और विवाद जैसे साथ साथ चलते हैं। इस बार विवाद खड़ा हो गया कैंप में लगी उनकी मूर्ति पर। पंडाल में शिव पार्वती की पंच धातु से बनी 12 फीट की करीब 5 टन वजनी मूर्ति के ठीक आगे नित्यानंद की 3.5 फीट की मूर्ति लगी। इसके अलावा कैंप में दोनों ओर लगी 20 से ज्यादा मूर्तियों में भी देवी देवताओं के साथ नित्यानंद की मूर्ति बनी है। देवी देवताओं के साथ नित्यानंद की मूर्ति देखकर अखाड़ा परिषद खफा है। किसी का शिष्य मान लो हमारा कोई हमारे गुरु जी है तो मैं रखूंगा, वो पूजा का अलग बात है। लेकिन अगर गुरु जी की मृत्यु हो गई हो तो हजाम नहीं, लेकिन जिंदे जी किसी की प्रतिमा भगवान के बगल में या भगवान के आगे नहीं लगाना चाहिए। बताया जा रहा है कि नित्यानंद की ये मूर्ति कैलिफोर्निया से बनकर आई है। नित्यानंद कैंप से जुड़े लोगों के अनुसार स्वामी जी के भक्त ने ये मूर्ति उन्हें बनवा कर दी थी। नित्यानंद कैंप से जुड़े लोगों का कहना है कि मूर्ति लगाने में कुछ भी गलत नहीं क्योंकि उनके गुरु उनके लिए भगवान हैं। चरणों के नजदीक इसे स्वामी जी की मूर्ति रखी गई है तो उसको क्या कहेंगे, गुरु के चरणों में ही तो रहता है मूर्ति, क्या पीछे रहता है। गौरतलब है कि नित्यानंद पर कुछ साल पहले बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने, धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, 2010 में एक तमिल फिल्म एक्ट्रेस के साथ उनका एक वीडियो भी लीक हुआ था। इसमें वो एक्ट्रेस के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। इसके बाद नित्यानंद का जमकर विरोध हुआ, वो गिरफ्तार भी हुए, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। परमहंस नित्यानंद स्वामी एक बार फिर से चर्चा में है। उज्जैन सिंहस्थ में उनके शिविर में उनकी मूर्ति पूजा के खिलाफ कई संतों ने एतराज जताया है। हालांकि उनके अनुयायी इसे गुरु देवाय भवों का नारा दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर खुद स्वामी नित्यानंद कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश पवार और मनोज शर्मा के साथ गौरव राजगुप्ता, उज्जैन, IBN 7।